नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है संकष्ट चतुर्थी। एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को यदि आप मन से कर लेंगे, भगवान श्री गणेश आपकी तमाम इच्छाएं पूरी करेंगे। आज के दिन दोस्तों, जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वैसे भी उनकी लाइफ में कभी कोई संकट नहीं आता, कोई विघ्न नहीं आता। हाँ, फिर तो जिंदगी है, थोड़ा 19-20 तो हर व्यक्ति की लाइफ में चलता रहता है। लेकिन जिसे हम कहते हैं कि बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े संकट जिंदगी को जो बर्बाद कर देते हैं, ऐसी कोई घटना दुर्घटना व्यक्ति के जीवन में नहीं बनती है। गणपति जी सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज के दिन दोस्तों, गणपति जी के मंदिर में जाकर के, या यदि आपके घर में गणपति जी की मूर्ति है या तस्वीर है, तो उनके सामने बैठ करके आप इस मंत्र को बोले 31 बार, जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। या फिर आप बहुत बिजी हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जो महिलाएं पीरियड्स में हैं, वे लोग पूजा पाठ वाली जगह में ना जाएं, घर की उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे और इस मंत्र को 31 बार यूं ही मन बोल लें, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी। जो लोग पूजा पाठ वाले स्थान में बैठ करके कर सकते हैं, जो मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, वे लोग अपने हाथ में एक चुटकी हल्दी रखें। हल्दी गणपति जी को बहुत प्रिय है, ठीक है। एक चुटकी हल्दी आपको अपनी मुट्ठी में, उंगलियों में रखनी है। ये तीन उंगली आपको यूज करनी है, अंगूठा, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली। इन दोनों उंगलियों का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप एक चुटकी हल्दी अपने हाथ में रखें और उसके बाद में आप गणपति जी के सामने बैठ करके इस मंत्र को बोलें, जो मैं आपको बता रही हूं। दोस्तों, ये मंत्र है माता पार्वती का। गणपति जी के सामने बैठकर जब भी कोई माता पार्वती जी का नाम लेता है, गणपति जी उसकी तमाम इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आज के दिन आपको इस मंत्र को बोलना है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके शादी के योग बनेंगे। जिनकी नौकरी धंधे में तकलीफ आ रही है, उनकी नौकरी लगेगी, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। तमाम प्रकार के संकट दूर होंगे, तमाम प्रकार की इच्छाएं पूरी होंगी। जो गरीब हैं, उनके घर में धन आएगा। तमाम प्रकार की मुसीबत, जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया उपाय है, ठीक है। हाँ, जो पीरियड्स में है, उन महिलाओं को हल्दी अपने हाथ में नहीं रखनी है। वो महिलाएं हल्दी किसी और, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसे कह दे कि वो हल्दी लेकर के एक तरफ बैठ जाए इसी तरीके से, और आपको इस मंत्र को बोल देना है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक है। आपको बोलना है, गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तत्वम शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणम कांता कांता सुदुर्लभम। गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तत्वम शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणम कांता कांता सुदुर्लभम। इस मंत्र को आप 31 बार बोल दें। उसके बाद में आप भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें मन ही मन कि मेरी ये इच्छा आप जरूर पूरी करें, ठीक है। इतना करने के बाद जो हल्दी है, हल्दी आप गणपति जी को अर्पित कर दें। मंदिर में है तो, घर में है तो, गणपति जी के पैरों के पास आप हल्दी को रख दें, उन्हें टच करवा दें, और उसके बाद उस हल्दी को आप उठा लें, साफ अच्छे ढंग से उठा करके एक पुड़िया उसकी बना लें, और उस पुड़िया को आप अपने पास रखें। यदि आप शादी ब्याह के उससे परेशान हैं, योग नहीं बन रहे हैं, तो जब भी आप शादी की कोई बात करने के लिए जा रहे हैं, तब इस पुड़िया से तिलक लगा करके जाएं हल्दी का। नौकरी धंधे के लिए आप जा रहे हैं, आप इसका तिलक लगाएं। किसी से कोई इम्पोर्टेंट आपको बातचीत करनी है, आप इस हल्दी का तिलक करके जाएं। जो लोग जिनके घर में लक्ष्मी का आविर्भाव नहीं हो रहा है, वे लोग इस पुड़िया को धन स्थान में रख दें, अपने पर्स में रख लें। बस दोस्तों, आज के दिन गणपति जी का ये उपाय आपकी जिंदगी में तमाम उन चीजों को भर देगा जिसकी कमी है, जो आप चाहते हैं कि ये कमी पूरी हो। ये हल्दी हमेशा आप अपने साथ में रखें, यह हल्दी आपके तमाम कार्य पूरे करेगी। आज के दिन दोस्तों, तिल और गुड़ का
जितना दान हो सके उतना ज्यादा दान करें। आज संकष्ट चतुर्थी वाले दिन दोस्तों, नमक का दान, अनाज का दान, सोना चांदी का दान, गाय को चारा खिलाने का दान, तमाम प्रकार के दान आज के दिन करना बहुत ही पुण्यशाली साबित होता है। आज के दिन 10 व्यक्ति को यदि आप अलग अलग चीजों का भले छोटा बड़ा दान करते हैं, आपके साथ पुश्तें राज करती हैं। ये दिन इतना ज्यादा पावरफुल है, तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कर लें। आप देखेंगे आपकी तमाम इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। करते रहें उपायों को और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।